उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के फतेहपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर मारे गए सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिजनों का शुक्रवार यानी कि 13 अक्टूबर को ब्रह्म भोज हुआ। सत्यप्रकाश के बेटे देवेश ने मृत आत्माओं की शांति के लिए गांव जाकर श्राद्ध का कर्मकांड कराया और धारा 144 के चलते शहर के बगल स्थित एक मैरिज हॉल में ब्रह्म भोज हुआ। इस मौके पर विधायक शलभ मणि और सांसद रवि किशन समेत कई नेताओं ने गांव पहुंचकर देवेश को सांत्वना दी। कार्यक्रम के दौरान दोनों जगह पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई। देवेश दुबे ने सामूहिक नरसंहार में मारे गए माता पिता, दो बहनों और भाई का शुक्रवार को पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच फतेहपुर के लेहड़ा टोला स्थित घर पर ब्रह्म भोज किया। उन्हें श्रद्धांजलि देते समय देवेश फफक कर रोने लगे, ये देख वहां उपस्थित लोगों की आंखें भर आईं। श्रद्धांजलि देने कई प्रतिनिधि भी पहुंचे। आपको बता दें कि देवेश ने दो दिन पहले प्रेमचंद के पिता हत्यारोपित राम भवन यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर ब्रह्म भोज करने से इनकार कर दिया था। बाद में ब्रह्म भोज के लिए देवेश तैयार हो गया। इस दुखद मौके पर विधायक शरभ मणि और रवि किशन भी मौजूद रहे। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने अपनी उपस्थिति की जानकारी दी। विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने अपने ट्वीट में लिखा कि देवरिया की रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मृतक स्वर्गीय सत्यप्रकाश दुबे जी और परिवार के 13वीं संस्कार में सम्मिलित होकर उनके स्मृति चित्रों पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। वहीं सांसद रवि किशन ने भी अपना दुख जाहिर करते हुए ट्वीट में लिखा कि देवरिया के फतेहपुर के लेहरा टोली पहुंचकर स्वर्गीय सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिजनों के श्राद्ध कर्म में सम्मिलित हुआ। बेहद भावुक क्षणों में हो रहे इस कर्मकांड के दौरान हर किसी की आंखें नम थी। दुबे परिवार के साथ हुई इस निर्मम घटना से हर कोई गहरी पीड़ा में नजर आया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।